ये क्या है? अरे इस पर तो मेरा नाम लिखा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर ड्रेस है, पर ये ड्रेस किसने दी होगी? तोलू नहीं दी होगी, कल उसने मेरा इतना अपमान किया ना, तो अभी ये भेजकर माफी मांग रहा होगा। एक काम करती हूँ, मैं उसे जाकर बात करती हूँ। हो गया है मुझको तो प्यार सचना। बेटा सुनो। जी नानी। तुमने कल रात सोना के लिए तोहफा भेजा था? हाँ, क्यों, कुछ कहा उसने? कहा तो कुछ नहीं, वो क्या बोलेगी, लेकिन जब देखेगी ना तो ना चुटेगी। एक बात बताओ, तोहफा भेजने की कोई खास वजह? वो एक्चुअली आज मेहमान आने वाले हैं ना घर पे, सोना के पास कोई अच्छी ड्रेस भी नहीं है पहनने के लिए, तो मैंने सोचा वो भी मेहमानों के सामने अच्छी ड्रेस पहन सके, बस इसीलिए। बस अब यही सुनना बाकी था, अब मेरे कपड़ों को लेकर भी उसने मेरा अपमान कर दिया। अब उसके रिश्तेदारों के सामने मैं अच्छी दिखूं? अब मैं उसे दिखाती हूं। अब ये ड्रेस मैं आज तो क्या कभी नहीं पहनूंगी। बेरहमी से काट दी, इसका मतलब वो मुझसे क्या? वो अभी यहीं पर खड़ा था? सोना, तेरा दिमाग खराब हो गया? जब उसे तुझसे कोई मतलब ही नहीं है तो वो यहाँ तेरे कमरे के बाहर क्या करने के लिए? दिन दहाड़े ये सपने देखना बंद कर, बंद कर सोना, बंद कर।
नहीं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूं। मेरे कपड़ों को लेकर उसने मेरा मजाक उड़ाया ना, अब तू देख कि मैं क्या करती। कोकिला जी। मोटा भाभी, मेहमानों के लिए दूधी का हलवा और बटेटा वड़ा तैयार है ना नाश्ते के लिए? जी, मैंने सब बना दिया है। तोलू, क्या बात है? इधर आओ। अब बोलो, क्यों परेशान लग रहे हो? नहीं तो बड़ी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है मुझे कोई तो बात जरूर है। अपनी बड़ी माँ से छुपाओगे? बोलो ना, क्या हुआ? वो एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी फैसला लोगे वो मुझे मंजूर है। मैं मिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी है तो लो, पहले देखो, मिलो, समझो, उसके बाद हम सब है ना, सब मिलकर निर्णय लेंगे। देख तो लो, रिश्ते जिंदगी के भरोसे नहीं चलते हैं, बल्कि जब रिश्ते बनते हैं तब जिंदगी अपने आप आगे बढ़ जाती है। रिश्ता ही होता है जो जीवन में रास्ते और दिशा तय करते हैं। वैसे हम बड़े तो हैं ही तुम्हें सही रास्ता दिखाने के लिए, पर अपने लिए जीवन साथी तो तुम्हें ही चुनना होगा। जी बड़ी माँ। मैं मिली से शादी करने के लिए तैयार। ये शहरी लड़के होते ही ऐसे, जब तक बात दोस्ती की होती है ना तो बहुत मीठी मीठी बातें करते, लेकिन जब बात शादी की आती है तो अपना असली रंग दिखा दे। मुझे कैसे भी करके सोना को समझाना ही होगा। अगर ये कमजोर पड़ गई तो मेरी नाव जो अभी अभी किनारे पे पहुंची है किनारे पे ही डूब जाएगी। सोना? अरे सोना, विक्रा क्या बात है, रो क्यों रही है? ले पहले कुछ खा ले, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे नहीं खाना है। अरे खाएगी नहीं ना तो तेरा जो दिमाग है ना प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा। और तुझे पता है ना, जब तेरा पेट खाली होता है तो तेरा सर कैसे चकराने लगता है और फिर तुझे गुस्सा भी ज्यादा आता है। चल चुपचाप खा ले। मैंने कहा ना कि मुझे नहीं खाना है, और मैंने कितनी बार तुझे समझाया कि जब मेरा दिमाग खराब होता है तो मेरे पास मत आया कर। तू क्या करना है यहाँ पे? यहाँ से जा, मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अकेला छोड़ दे, जा यहाँ से। क्या हो रहा है, क्या टूटने की आवाज आ रही है? क्या है ये, कैसे टूट, ये रो क्यों रही है, बात क्या है मधुबेन? हे भगवान, अगर कोकिला ने सोना के मुंह से कुछ उगलवा लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कुछ नहीं विवान जी, सोना से प्लेट गिर के टूट गई, मैंने इसे डांट दिया ना इसलिए रो रही है। यही बात है क्या सोना?
मीठी जी नानी बाबे, मीठी ये जल्दी से साफ कर दो जी। और तुम अब रोना बंद करो, रोने से जो नुकसान हुआ है वो तो ठीक नहीं होगा। जल्दी जल्दी हाथ चला, हाथ में मेहंदी लगी क्या तेरी? मैं जानती हूँ तेरे दुख का कारण तोलू है ना, सब पता है मुझे। तू तोलू को पसंद करती है, उसने तेरे लिए तोहफा भी भेजा था। अरे तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है, क्यों रो रही है? तोहफा? हाँ तोहफा। अरे रे रे रे, इसे नहीं, उसने तोहफा इसलिए भेजा था ताकि वो लड़की वालों के सामने उसकी बेइज्जती ना हो, समझ गई तू? तोहफा नहीं भेजना चाहिए था मुझे, शायद इसीलिए भड़क गई होगी। अरे यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं क्यों सोना को बुला नहीं पा रहा हूँ? उस सोना ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन नहीं, आई थिंक मुझे सोना से मिलकर ये सारी गलतफहमियां दूर कर लेनी चाहिए। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, और तू, तू क्यों मेरे इतने पीछे पड़ी हुई है? हाँ? बैठ। मैं तेरे पीछे नहीं पड़ूंगी तो तू पीछे रह जाएगी। अगर उस लड़की ने तोलू को पसंद कर लिया तो चुटकी बजा के तोलू को ले जाएगी और तू तमाशा देखती रह जाएगी। मेरी चिट्ठी डस्टबिन में फेंक दी? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।